सत श्री अकाल जी। कनाडा इमिग्रेशन से न्यू अपडेट है। कनाडा इमिग्रेशन जो बैकलॉग है वो कम हो चुका है, 2.2 मिलियन ये घट चुका है। यानी कि पहले जो फाइल्स थी वो 26 लाख के करीब थी, 2.6 मिलियन, अब उनमें से 2.2 मिलियन कम हो चुका है। तो अब फाइल जो बच गई हैं 2.4 मिलियन बच चुकी हैं जो इमिग्रेशन के, क्योंकि डाटा जो शो कर रहा है कंटिन्यू जो आईआरसी जो है रिडक्ट करने लगा हुआ फाइल्स, और काफ़ी रिज़ल्ट जो है काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स के जो पहले पेंडिंग पड़े थे अब उनके स्टडी वीज़ाज़ के भी आ रहे हैं, पीआरस के भी आ रहे हैं, स्पाउस ओपन वर्क परमिट के भी आ रही हैं, केयर गिवर्स के भी अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं। और कंटिन्यू जो है इमिग्रेशन जो बैकलॉग है वो कम पर कम कर रहे जा रहे हैं। और ये दिसंबर 2, 2022 की रिपोर्ट आई है। तो कनाडा इमिग्रेशन ने जो अपना ड्रॉप डाटा है वो शो करा है कि जो बैकलॉग है वो 2.2 मिलियन कम हो चुका है, करंटली जो डाटा शो करा गया है। तो ये नवंबर 3, 2022 को ये 24,11,388 पर्सन का है, तो इस सितंबर में तो 26 लाख के करीब पर्सन में रॉन्ग फिगर पहुंच गया। तो अब बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, 2.2 मिलियन कम हो गया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इमिग्रेशन का बैकलॉग दिन पर दिन कम होता जा रहा है। तो आने वाले टाइम में ये ऑलमोस्ट जो है जितना इमिग्रेशन एफर्ट ले रहा है, न्यू स्टाफ हायर कर रहा है और सारा जो प्रोसेस है ऑनलाइन कर दिया है, उस करके काफ़ी जो है इमिग्रेशन जो है कंटिन्यू रिजल्ट्स दे रहा है। पर कुछ कैंडिडेट्स के रिफ्यूज़र भी आ रहे हैं। अब जो हैं करंटली जो सिटीज़न और परमानेंट और टेम्प्रेरी रेजिडेंट में कितने एप्लीकेशन पेंडिंग रहती हैं, तो उन्होंने शो करा है ये दिसंबर का। तो इसमें जो परमानेंट एप्लीकेशन जो हैं पीआर की, जिसमें 5,12,342 ये है, और उसके बाद टेम्प्रेरी रेजिडेंट का है 14,16,125। तो ऐसी सिटीजनशिप का है 3,14,630। तो ये टोटल जो हो गया ग्रैंड टोटल जो अब है वो है जो बना है 22,43,097। तो ये बहुत ज़्यादा अब कम हो चुका है। तो कंटिन्यू जो है इमिग्रेशन जो है काफ़ी जैसे एक्सप्रेस एंट्री का जो डाटा है जिसकी एप्लीकेशन है वो ज़रूर बढ़ी है पहले से, क्योंकि उनका भी रिज़ल्ट जो है क्यूब में लगा हुआ है, तो रिज़ल्ट वेटेड है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस जो एप्लीकेशन का डाटा है जो दिसंबर में 43,326 एप्लीकेशन एक्सप्रेस एंट्री में, और जबकि नवंबर में थी 39,589। तो अब ये बढ़ा, पर काफ़ी कैटेगरीज जैसे वर्क परमिट हो गए, केयर गिवर हो गए, स्पाउस ओपन वर्क परमिट हो गए, विजिटर वीज़ा हो गए, उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। कनाडा इमिग्रेशन जितना हो सके अपना बैकलॉग घटाने लगा हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इमिग्रेशन जो है जो काफ़ी देर से अपने रिजल्ट्स के वेट कर रहे थे उनके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो चुके हैं। तो जैसे इमिग्रेशन मिनिस्टर शॉन फ्रेजर जी ने कहा था कि आने वाले टाइम 2023 तक हम ऑलमोस्ट सारा बैकलॉग क्लियर कर देंगे। तो बहुत अच्छी होप है कि आने वाले टाइम में काफ़ी जो प्रोसेस है नॉर्मल हो जाएगा और बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। तो ये कनाडा इमिग्रेशन से न्यू अपडेट थी कनाडा इमिग्रेशन बैकलॉग के रिगार्डिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।